नमस्कार, मैं प्रशांत जोशी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 308 टेलीकॉम स्विचिंग नेटवर्क में ट्रैफिक इंजीनियरिंग यूनिट के तहत टॉपिक पढ़ेंगे। तो ट्रैफिक का तात्पर्य यहां क्या है उसको समझने के लिए हम एक ग्राफ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये एक बार ग्राफ है। ट्रैफिक का अर्थ जैसे नॉर्मल हाईवे या रोड्स पे क्या होता है कि कितने वाहन जो हैं वो दिन के पर्टिकुलर समय पर कितने वाहन जो है वो आवागमन कर रहे हैं, ये उसे उसे हम ट्रैफिक कहते हैं। तो इसी प्रकार से टेलीफोन एक्सचेंज में अलग अलग घंटों पर समय पर कितनी नंबर ऑफ कॉल्स की जा रही हैं उसे हम ट्रैफिक कहेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अक्ष मान लीजिए, एक्स अक्ष पे हमने दिन का समय जैसे कि रात के 12 बजे को हम 0 आवर्स यानी कि 0 मूल बिंदु से निरूपित किया है, उसके बाद रात के 1 बजे, उसके बाद रात के 2 बजे का समय, इस प्रकार से रात के 4 बजे के समय को हमने 4 से डिनोट किया है, सुबह के 7 बजे को 7 से डिनोट किया है, सुबह के 10 बजे को 10 से डिनोट किया है, तो फिर 13 का अर्थ है कि दोपहर का 13 मतलब दोपहर का 1 बजे का समय, उसके बाद दोपहर के 4 बजे को 16 से डिनोट किया है, और इसी प्रकार से लास्ट में 23 आवर्स यानी कि रात के 11 बजे का समय। तो किसी पर्टिकुलर घंटे के दौरान नंबर ऑफ कॉल्स यानी कॉल्स की संख्या कितनी है उस घंटे के दौरान उसे हम प्लॉट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि रात को जो है जैसे 12 से 1 के बीच में कॉल्स की संख्या कम होती है, लोग कम बातचीत करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे कॉल्स की संख्या और कम होती जाती है, और सुबह के लगभग 3 से 4 बजे के बीच में न्यूनतम पूरे 24 घंटे में सुबह से 3 से 4 बजे का समय ऐसा होता है जब अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, तो न्यूनतम वार्तालाप चल रहे होते हैं इसलिए न्यूनतम होगा। उसके बाद में सुबह 4 बजे के बाद धीरे धीरे कॉल्स की संख्या पुनः बढ़ने लगती है, सुबह 7 बजे तक बढ़ रही है, और फिर सुबह 10 बजे ऑफिस सभी लोग चले जाते हैं और वर्किंग शुरू हो जाती है इसलिए कॉल्स की संख्या भी बढ़ जाती है, और जैसे 11 बजे से 12 के बीच में ये अधिकतम हो गई संख्या, फिर दोपहर में लंच के आसपास ये जो है थोड़ी कम होती है, और लंच के जस्ट बाद भी ये संख्या कम रहती है, और फिर दोपहर में करीब लंच के बाद 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये कॉल्स की संख्या पुनः बढ़ती है, और अंततः शाम जैसे जैसे शाम के बाद रात होने लगती है वैसे वैसे कॉल्स की संख्या कम होती जाती है, और रात को 11 बजे के बाद ये संख्या पुनः न्यूनतम की ओर अग्रसर होती है। तो ये एक ट्रैफिक पैटर्न है। इस ग्राफ से हम कुछ पैरामीटर्स को जो है डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है बिजी आवर, यानी एक दिन में 60 मिनट का वह अंतराल जिसके दौरान ट्रैफिक अधिकतम हो, यानी कॉल अटेम्प्ट्स की जो संख्या है, कॉल करने के जो प्रयासों की जो संख्या है वो अधिकतम हो, उसे हम बिजी आवर BH कहते हैं। ये जो BH है इसका मान वेरी कर सकता है, ये जो है लोकेशन है या आपके जो समुदाय है उनका इंटरेस्ट क्या है, परिस्थिति क्या है, इन फैक्टर्स पे के अनुसार इसमें वेरिएशन आ सकता है, और बिजी आवर में सीजनल उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए शेयर बाजार के आदि के कारण कोई अप्रत्याशित पीक्स भी आ सकती हैं, क्योंकि कोई खबर आती है ऐसी इंपॉर्टेंट, या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नई बात आती है तो लोगों के बीच में आपस में बातचीत ज्यादा होती है, और मौसम अगर अचानक से परिवर्तित हो जाए तो भी लोग आपस में बातचीत करके उसका कुछ समाधान के लिए और इस टाइप से वार्तालाप बढ़ सकते हैं, तो इसलिए बिजी आवर का जो है मान वो परिवर्तित हो सकता है। और जैसे कि मान लीजिए आप सामान्य दिनों में रात को 12 से 1 के बीच में ट्रैफिक कम होता है, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर के दिन
जो है आप अधिकांश लोग शुभकामनाएं देते हैं, तो रात को 12:05 पर या और उसके आसपास बहुत ज्यादा कॉल्स की संख्या हो जाती है, तो उस वक्त जो है परिस्थिति पे ये निर्भर करता है। इसी टाइप से पीक बिजी आवर है, यानी ये भी डे टू डे परिवर्तित होता है कि आपका कि उस किसी दिन हो सकता है कि आपका मॉर्निंग के वर्किंग आवर्स है सुबह के 11 से 12 बजे का समय पीक आवर हो, और कभी हो सकता है जैसे मान लीजिए दिवाली है या हैप्पी न्यू ईयर है तो उस दिन पीक आवर का समय अलग भी हो सकता है। इसी प्रकार से तीसरा पैरामीटर है टाइम कंसिस्टेंट बिजी आवर, यानी कि 60 मिनट का वह समयांतराल जो प्रतिदिन सेम उसी समय शुरू होता है तथा इसी 1 घंटे के दौरान औसत ट्रैफिक यानी कि कॉल करने के प्रयासों की संख्या जो है वो अधिकतम होती है। ये कॉल अटेम्प्ट्स की जो संख्या है ओवर द डेज अंडर कंसिडरेशन हम मान रहे हैं। फिर उसके बाद में जो सभी कॉल अटेम्प्ट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सफल हो, कई बार हो सकता है कि आपने कॉल किया लेकिन लाइन बिजी मिली तो आपकी कॉल बातचीत नहीं हो पाई, आपको बिजी टोन मिली, या हो सकता है कि आपकी कॉल करने की घंटी गई, आपको रिंग बैक टोन भी सुनाई दी लेकिन कॉल्ड पार्टी यानी आपके मित्र के द्वारा कोई आंसर नहीं दिया गया तो भी आपकी कॉल कंप्लीट नहीं हो पाई, या हो सकता है कि आप ब्लॉकिंग है ट्रंक्स के अंदर। ट्रंक का अर्थ होता है एक टेलीफोन एक्सचेंज से दूसरे टेलीफोन एक्सचेंज को जोड़ने वाली लिंक या केबल, तो उसमें अगर कोई ब्लॉकिंग है जिसकी कि हम ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी पहले कैलकुलेट करते हैं, हमने क्लासरूम में ये भी पढ़ा है तो उसका भी फॉर्मूला होता है, तो इन सब कारणों से कॉल अटेम्प्ट हो सकता है सफल ना हो, वास्तविक वार्तालाप ना हो पाए। तो इसका भी एक हमें मैथमेटिकल पैरामीटर निकालना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, जिसे कि हम CCR कहते हैं। कॉल प्रयास सफल तभी कहलाएगा जब कॉल्ड पार्टी जवाब दे। तो कॉल कंप्लीशन रेट यानी कि CCR, इसकी परिभाषा क्या है? ये एक रेशियो है सफल कॉल्स की संख्या डिवाइडेड बाय कॉल अटेम्प्ट्स की संख्या, यानी और इसका मान जो है वो 0.7 से 0.75 के बीच में जो उत्कृष्ट माना जाता है, और जो बिजी आवर कॉलिंग अटेम्प्ट्स हैं BHCA इसको भी हम डिफाइन करते हैं, यानी कि बिजी आवर के दौरान कितने कॉल अटेम्प्ट्स किए गए। और CCR का महत्व क्या है कि एक्सचेंज या नेटवर्क की कैपेसिटी को हमें एस्टिमेट करना हो, हमें उसकी नई डायमेंशंस बढ़ानी हो, उसमें अपग्रेड करना हो, तो इसके लिए भी हम तो CCR से हम नेटवर्क साइज भी डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक उदाहरण है कि मान लीजिए एक टेलीफोन एक्सचेंज में 200 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, यदि औसत BHCA 1000 है तथा CCR 60% है तो हमें क्या ज्ञात करना है? बिजी आवर कॉलिंग रेट ज्ञात करनी है। अब बिजी आवर कॉलिंग रेट BHCR का डेफिनेशन है कि BH के दौरान सब्सक्राइबर द्वारा ओरिजिनेट की गई कॉल्स की औसत संख्या। तो अब इसलिए हम एवरेज BH कॉल्स कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू BHCA मल्टीप्लाइड बाय CCR। तो CCR हमारा 60% यानी 0.6 है और BHCA हमारा 1000 गिवन है, तो इसे करने से हमें 600 आंसर आ गया। इसी प्रकार से BHCR को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज, तो BH कॉल्स की औसत संख्या डिवाइडेड बाय सब्सक्राइबर्स की संख्या, तो ये हमारा न्यूमरेटर में 600 आ जाएगा और सब्सक्राइबर की संख्या 200 है तो BHCR हमारा ओवरऑल 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। रूरल एरिया में BHCR का मान प्रायः लो होता है, 0.2 होता है, क्योंकि वहां इतनी व्यस्तता नहीं होती, जबकि मेट्रो सिटीज में इसका मान 3 तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम पैरामीटर्स का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद। मैं प्रशांत जोशी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर।